आमाशय के कौन सा भाग से, आमाशय के कौन सा भाग से, आमाशय के कौन सा भाग से एससीएल निकलता है? कार्डियक भाग से। आमाशय को कितना भाग में? तीन भाग। आमाशय को कितना भाग में? तीन भाग। आमाशय में कितना देरी भोजन? चार घंटा भोजन। आमाशय में कितना देरी भोजन? चार घंटा। आमाशय में कितना देरी भोजन? चार घंटा रुकता है। कितना देरी रुकता है? चार। चलो ठीक है, बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ से एक प्रश्न और पूछेगा कि आमाशय की आंतरिक दीवार जो बना होता है वो क्या चीज का बना होता है, उसे क्या कहते हैं? आमाशय की आंतरिक दीवार जो बना होता है उसे म्यूकोसा कहते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूकोसा। याद रखना, आंतरिक दीवार किसका बना होता है? म्यूकोसा का बना होता है। किसका बना होता है? म्यूकोसा। पूछेगा आपसे किसका बना होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। तो याद रखना की आमाशय, आमाशय पेट स्टोमेट का आंतरिक दीवार जो बना होता है किसका बना होता है? म्यूकोसा। किसका? म्यूकोसा। किसका? म्यूकोसा। किसका? म्यूकोसा। चलो ठीक है, बिल्कुल सही है। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुंह से। वसा का पाचन कहाँ से शुरू होता है? आमाशय। प्रोटीन का पाचन कहाँ से? प्रोटीन का पाचन कहाँ से? आमाशय से। प्रोटीन का पाचन कहाँ से? आमाशय से। प्रोटीन का पाचन कहाँ से? आमाशय से। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। क्या चीज? अग्नाशय से। बसा, 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 बसा अग्नाशय से। बसा कहाँ से पाचन होगा? पेनक्रिया से। अग्नाशय से कहाँ से? अग्नाशय से। राम राम। ठीक है, कहाँ से? अग्नाशय से। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है, यह सब याद रखना है। एक बार बताइएगा कि भोजन, एक बार बताना कि भोजन पेट से, भोजन पेट से छोटी आत्मे, भोजन पेट से छोटी आत्मे जो प्रवेश करता है वो किस रूप में प्रवेश करता है? कायम के रूप में। किस रूप में? किस रूप में? कायम। ठीक है, बिल्कुल सही है। किस रूप में? कायम। और निकलता है काइड के रूप में, निकलता है काइड के रूप में, निकलता है काइड के रूप में, निकलता है काइड के रूप में। बोलस कायम काइड, बोलस कायम काइड, बोलस कायम काइड। मुंह में चिबाए और पेट में आया बोलस के रूप में। पेट में कुछ काल, पेट से, पेट में, पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला, उसको अम्लीय रूप में कर दिया, छोटी आंत से कहाँ गया? सॉरी, पेट से, पेट से, पेट से, पेट से, आमाशय से छोटी आंत में भोजन आया। किस रूप में? कायम के रूप में। बाहर निकल गया गुदरा के माध्यम से काइड के रूप में। किस रूप में? काइड। वहीं पर रहता है, क्या रहता है जो पीला, अरे पीला, पीला होता है किसके? बिलरुबिन के कारण, बिलरुबिन के कारण, बिलरुबिन वहीं पर उपस्थित रहता है, उसे किस रूप में बदलता है? पीला कर देता है। चलिए ठीक है, ये सब पता है। चलिए तो यहाँ तक क्लियर हो गया, आमाशय से एक पॉइंट भी दिक्कत नहीं रहा है। अच्छा बताइएगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच मान कितना होता है? 1.5 से 3.5 तक, ठीक है, लगभग। अगर देखिएगा तो आंसर 2 होगा, ठीक है, दो भी हो सकता है आंसर, 2, आंसर 2%, आंसर 2% भी हो सकता है, ठीक है, याद रखना है। देखिए आपसे पूछेगा कि भोजन में उपस्थित टाइलिन के प्रभाव को खत्म करने वाला अम्ल कौन सा है? एससीएल अम्ल। भोजन में उपस्थित टाइलिन को खत्म कौन करता है? एससीएल करता है। कैसे? क्योंकि आपको पता होगा कि मुंह में आपको मुंह में जो ग्रंथि पाई जाती है उसे क्या निकलता है? टाइलिन नामक एंजाइम। मुंह में निकलता है ना टाइलिन नामक एंजाइम। जी, मुंह से निकलता है कौन सा एंजाइम? टाइलिन नामक एंजाइम मुंह से निकलता है, और वो टाइलिन नामक एंजाइम क्या करता है? चिपचिपा बनाता है, और टाइलिन नामक एंजाइम के मदद से आपको भोजन फिर कहाँ प्रवेश करता है? आमाशय में प्रवेश करता है, और आमाशय में फिर उपस्थित रहता है क्या चीज? एससीएल। तो एससीएल क्या करता है? टाइलिन को क्या करता है? हटाता है। एससीएल टाइलिन को क्या करता है? हटाता है। एससीएल टाइलिन को क्या करता है? हटाता है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि भोजन में उपस्थित टाइलिन की मात्रा को हटाने का काम कौन करेगा? एससीएल। कौन करेगा? एससीएल। कौन करेगा? एससीएल। चलिए ठीक है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा क्यों? देखिए, छोटी आंत जो होता है ना, वो कहता है हम अमलियों को नहीं पचाएंगे, क्षारियों को पचाएंगे। छोटी आंत कहता है अमलियों को नहीं पचाएंगे, क्षारीय को, इसलिए पित्त छोड़ता है। क्या छोड़ता है? पित्त। पित्त क्या छोड़ता है? पित्त। किस रूप में? क्षारीय हो जाता है। भोजन क्या होता है? क्षारीय हो जाता है। पित्त छोड़ता है क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, यहाँ पर मानव शरीर में आपको भगवान जो है कंडीशन लगा दिए, ठीक है, कि एक जगह मतलब अमलीय भोजन का पाचन होगा, एक जगह क्या होगा? क्षारीय का सिर्फ होगा। एक जगह थोड़ा सा टाइलिन की मात्रा उपस्थित रहेगा, वहां पर पाचन होगा। ऐसा इसलिए होता है, ठीक है, ऐसा होने का कारण है कि ग्रंथि में
जैसे छोटी ग्रंथि है, छोटी आंत जो है, छोटी आंत कहता है हम अम्लीय भोजन को पाचन नहीं करेंगे, अम्लीय भोजन को पाचन नहीं करेंगे, हम कौन सब करेंगे, क्षारीय के करेंगे, इसीलिए पित्ताशय के द्वारा, पित्ताशय के द्वारा पित्त छोड़ा जाता है। पित्त का निर्माण कहाँ होता है, पित्ताशय यकृत में, जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में जमा होता है, पित्ताशय में जमा होता है, पित्ताशय में, ठीक है। तो समझ गए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये कहता है हमको भोजन कैसा चाहिए, क्षारीय भोजन चाहिए। छोटी याद कहता है हमको भोजन कैसा चाहिए, क्षारीय, जब तक क्षारीय नहीं रहेगा पाचन हम नहीं करेंगे, क्षारीय जब तक नहीं रहेगा जब तक पाचन नहीं करेंगे, इसीलिए क्षारीय कौन बनाता है, पीत बनाता है, कौन बनाता है, पीत, 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 कौन बनाता है, पीत, कौन बनाता है, पीत, चले ठीक है, बिल्कुल सही, कौन बनाता है, पीत बनाता है, चले ठीक है, बिल्कुल सही है। देखिए पीत को स्रावित करने वाला एक एंजाइम है, उसका क्या नाम है, कोलेसिस्टोकाइनिन। देखिए जब भोजन कहाँ पहुंचता है, बता, देखिए जब भोजन आमाशय से छोटी आंत में आता है, कहाँ से, आमाशय से भोजन काइम के रूप में जब छोटी आंत में आता है ना, तो छोटी आंत का आता है पाचन नहीं करेंगे, कैसा है अम्लीय, हमको कैसा चाहिए, क्षारीय चाहिए, कैसा चाहिए, क्षारीय, तभी छोटी आंत किसको बोलता है, कोलेसिस्टोकाइनिन को आदेश देता है। कोलेसिस्टोकाइनिन क्या काम करता है, पित्ताशय को उत्तेजित करता है, क्या करने के लिए, पीत छोड़ने के लिए, पीत छोड़ने के लिए, पीत छोड़ने के लिए, ठीक है। हाँ दोनों मिल जाएगा तो हानिकारक करेगा, चलिए ठीक है, आपका भी कहना सही है। चलिए तो यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि पीत को पीत श्रावण श्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है कौन सा हार्मोन, कोलेसिस्टोकाइनिन। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही, कोलेसिस्टोकाइनिन, चलिए बिल्कुल सही है। और अग्नाशय से सीक्रेटिन हार्मोन निकलता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अग्नाशय से सीक्रेटिन नामक हार्मोन, क्या, चलिए ठीक है, आइए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ग्रासनी क्लियर हो गया, आमाशय यानी पेट क्लियर हो गया, तो बता यहां से एक बार बता दीजिए कि पेट यानी आमाशय को कितने भाग में बांटा गया है, तीन भाग में। चलिए पहला हिस्सा को क्या बोलते हैं, अग्रभाग को कार्डियक और बिचली भाग को फांडिक। उसके बाद निचली हिस्सा को पाइलोरी क्या बोलते हैं। HCL अग्नाशय के कौन सा हिस्सा में रहेगा, अग्रभाग में यानी कार्डियक में। HCL पूछेगा आपसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट के कौन सा भाग में रहेगा, तो अग्रभाग में रहता है HCL, क्या रहता है, HCL रहता है, चलो ठीक है, बिल्कुल सही, HCL रहता है। और हमारे शरीर के अंदर जो भोजन पेट में 4 घंटा तक उपस्थित रहता है, उसको रोक के रखने का काम कौन करता है, फंडिक, हमारे पेट का जो मध्य भाग का हिस्सा उसे कहते हैं फंडिक। और फंडिक में रूजी नामक क्या पाया जाता है, काटानुमा संरचना, वो क्या करता है, रोक कर रखता है, ठीक है, यहाँ से प्रश्न आते हैं इसलिए बार बार हम बोल रहे हैं। चलिए उसके बाद अगला निचला हिस्सा क्या था, उसका नाम था पाइलोरी। तो पूछेगा आपसे पाइलोरिक नामक ग्रंथि से जठर, देखिए एक सेकेंड, मतलब कहने का कि पेट यानी अग्नाशय, तो अग्नाशय बोल देते हैं ना, पेन क्रियाज हो जाता है, अमाशय क्या होगा, अमाशय, ठीक है, अमाशय बोलेंगे आप, पेट बोलेंगे तो एक ही है, तो अमाशय का जो एक अंतिम हिस्सा था उसका नाम था पाइलोरिक, क्या नाम था, पाइलोरिक। तो अंतिम भाग जो था पाइलोरिक, उसमें जठर ग्रंथि पाया जाता है। पूछेगा आपसे कि पेट के कौन सा भाग में जठर ग्रंथि पाया जाता है, तो पाइलोरिक में यानी अंतिम हिस्सा में, अंतिम पश्च भाग में। और उस जठर रस से दो गो एंजाइम कौन, पेप्सिन और रेनिन, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में, पेप्सिन नामक एंजाइम
प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता था और रेनिन का काम था दूध का पाचन। रेनिन का काम क्या था? दूध का पाचन। रेनिन का काम क्या था? दूध का पाचन करना। किसका पाचन करना? दूध का पाचन करना। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद आगे बताएगा। अच्छा बताएगा कि दूध का रंग सफेद किसके कारण होता है? दूध का रंग सफेद केसिन के कारण। दूध का रंग सफेद किसके कारण? कैसीन प्रोटीन। किसके कारण? कैसीन प्रोटीन। किसके कारण? कैसीन प्रोटीन के कारण होता है। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही। किसके कारण होगा? कैसी प्रोटीन के कारण कैसा होता है? सफेद होता है। कैसा होता है? सफेद होता है। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिएगा आंत, इसमें क्या दिया हुआ है? पकवासे डुडेनम, डुडेनम उसी को बोलते हैं पकवासय या फिर ग्रहणी। क्या बोलते हैं? ग्रहणी। हिंदी में पकवासय या फिर ग्रहणी। डुडेनम, डुडेनम, डुडेनम। देखिए ग्रहणी यानी पकवासय का आकार कैसा होता है? पकवासय का आकार होता है यू आकार का। पकवासय का आकार कैसा होता है? यू आकार का। पकवासय का आकार कैसा होता है? यू आकार। पकवासय का आकार कैसा होता है? हाँ मतलब यू आकार। यू आकार देखें एबीसीडी वाला यू। लुसेंट में बहुत कम है। जी बिल्कुल सही है, लुसेंट में बहुत कम है, बहुत की बहुत कम है। तो देखिए पकवासय में ही क्या बोले, पकवासय में क्या पाया जाता है? भोजन, 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 भोजन जब पकवासय में आता है तो वहीं पर पीत ना मिलता है। जी पीत कहाँ मिलता है? पकवासय में मिलता है, ड्यूडेना में मिलता है। कहाँ मिलता है? ड्यूडेना में। पकवासय में यानी ड्यूडेनम में ही भोजन में पीत मिलता है। ठीक है, बिल्कुल। कौन सा और बुक ले लू मैं? कोई बुक नहीं लीजिए, इतना में काम हो जाएगा। ठीक है, कोई बुक जरूरी नहीं लेना, इतना में काम हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर बता दिए कि पीत का श्रावण यानी भोजन, भोजन में पीत जाके मिलेगा कहाँ? डिडोनम में। कहा? डिडोनम, जिजुनम अलग होता है। ठीक है, डिडोनम अलग होता है, जिजुनम अलग होता है। डिडोनम अलग और जिजुनम अलग होता है। ठीक है, याद रखना है। डिडोनम के बाद का हिस्सा आता है जिजुनम। डिडोनम के बाद का हिस्सा कौन आता है? जिजुनम। देखिए जिजुनम का काम क्या जानते हैं? भोजन को फैलाना। क्या करेगा? फैला देगा। तिरपाल रियन क्या करेगा? फैला देगा। जिजुनम का काम है भोजन को फैलाना। जिजुनम का काम है भोजन को फैलाना, याद रखना। क्या करेगा? फैला देगा। क्या करेगा? फैला देगा। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए बिल्कुल सही है। आगे बताएगा, बताना है कि अग्नाशय से, अग्नाशय से, अग्नाशय से अग्नाशय रस आकर भोजन में मिलता है, उसमें तीन प्रकार का एंजाइम रहता है। कौन कौन? कौन कौन? हाँ, लाइपेज, इमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज, इमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज, इमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज, इमाइलेज और ट्रिप्सिन। चलो ठीक है, बिल्कुल सही। याद रखना है कि अग्नाशय से, अग्नाशय से, अग्नाशय से अग्नाशय रस आकर भोजन में मिलता है, यानी अग्नाशय रस आकर कहाँ मिलेगा? भोजन में मिलेगा। और अग्नाशय रस जो है कौन कौन है? लाइपेज, इमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज, इमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज, इमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज, इमाइलेज और ट्रिप्सिन। चलो ठीक है, बिल्कुल सही है। लाइपेज, इमाइलेज और ट्रिप्सिन, 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 ट्रिप्सिन। और प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बदलता है? ट्रिप्सिन। कौन बदलता है? ट्रिप्सिन। कौन बदलता है? ट्रिप्सिन। इसको याद करने का शॉर्टकट है ट्रिक काल, काल नहीं लेट, काल चलेंगे क्रिप्स मिशन। काल वहां चल गए। ठीक है, यहाँ पर याद, लेट याद रखना है, लेट, लेट, लेट याद रखना है, लेट याद रखना है, लेट। तो पूर्ण पाचक एंजाइम कहाँ पाया जाता है? अग्नाशय में। कहाँ? अग्नाशय। पूर्ण पाचक नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है? अग्नाशय। कहाँ पाया जाता है? अग्नाशय। अग्नाशय को क्या बोलते हैं? पेनक्रियाज। क्या बोलते हैं? पेनक्रियाज। क्या बोलते हैं? पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज से तीन गो निकलता है एंजाइम। कितना एंजाइम? तीन गो। उसे कहते हैं पूर्ण पाचक रस, पूर्ण पाचक रस। या बोल सकते हैं आपसे, देखिए परस पूछ लेकर तरीका किसी तरह से पूछ सकता है, पूछेगा आपसे कि पेनक्रियाज से कौन सा तीन गो एंजाइम निकलता है? लाइपेज, इमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज, इमाइलेज, ट्रिप्सिन। फिर बदल देगा कि लाइप की अग्नाशय से, अग्नाशय से यानी पेनक्रिया से, पेनक्रिया से कौन सा तीन गो पूर्ण पाचक एंजाइम निकलता है? तो ही बात होगा, याद रखना है, लेट। याद रखना है, लेट, एल ए टी, एल ए टी। एल से लाइपेज, एल से लाइपेज। ए से इमाइलेज, ए से इमाइलेज, ए से इमाइलेज। ठीक है,
ए माइलेज और टी से ट्रिप्सिन, टी से ट्रिप्सिन, और सबका अलग अलग काम है, सबका अलग अलग काम है, ठीक है। सबका क्या काम है, अलग अलग, सबका अलग अलग काम है। जैसे मैं आपसे पूछेगा, देखिए, यानी लाइपेज, लाइपेज का काम है बसा का पाचन करना ना, लाइपेज का काम है बसा का पाचन करना, किसका पाचन करना, बसा का, बसा फैट, या फिर बोल सकते हैं लिपिड, लिपिड भी बोल सकते हैं ना, लिपिड, बसा लिपिड, ये सब का पाचन, यानी फैट बसा लिपिड सब एक ही है। इसका पाचन कौन सा एंजाइम करेगा, लाइपेज नामक एंजाइम। तो यहाँ से परस हो सकता है, यहाँ से परस पूछेगा कि बसा का पाचन कहाँ होता है, अग्नाशय में, पेनक्रियाज में, कहाँ होता है, पेनक्रियाज में। बसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, लाइपेज करता है। बसा का पाचन कौन एंजाइम करेगा, लाइपेज। बसा का पाचन कौन सा एंजाइम, लाइपेज। बसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, लाइपेज करता है। चलो ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे बताएगा कि स्टार्च का पाचन कौन सा एंजाइम करेगा, एमाइलेज। स्टार्च का पाचन कौन सा एंजाइम करेगा, एमाइलेज। स्टार्च को बोलते हैं मांड, स्टार्च को क्या बोलते हैं, मांड। और स्टार्च 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 का पाचन कौन करेगा, एमाइलेज। कौन करेगा, एमाइलेज। चलो ठीक है, बिल्कुल सही। देखिए, और एमाइलेज आपको जानवर में कम रहता है, जानवर में कम रहता है, ठीक है, जानवर में कम रहता है। आपको कौन सा एंजाइम, लाइफ, एमाइलेज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम जानवर में कम रहता है। चलो ठीक है, बिल्कुल सही। उसके बाद बताएं तीसरा कौन सा एंजाइम था, ट्रिप्सिन। कौन सा होगा, ट्रिप्सिन। कौन सा होगा, ट्रिप्सिन। हो गया, वहां से जला लाइट बाल, लाइट जला और वहां से जला, लाइन किया कट, जले रहने दो, तू जल रहा है, नहीं बन अति कर दो, जल्दी करना। चलिए आइए, तो यहाँ पर देख रहे थे ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन का काम क्या है, ट्रिप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन को किसमें बदलना, पेप्टाइड में, किसमें, पेप्टाइड, हाँ, पेप्टोन को पेप्टाइड, पेप्टोन को पेप्टाइड। चलिए ठीक है, हाँ, यानी प्रोटीन तो वहां हो गया था, प्रोटीन का हो गया था वहां, ठीक है, वहां तो हो गया था क्लियर। यहाँ पर आएगा, देखिए, वहां आपको पता है, अभी हम बताएं कि, अभी बताए थे कि पेट में, अमाशय में, पेट में, अमाशय में, सुनिएगा ध्यान से, पेट में यानी अमाशय में, अमाशय में, अमाशय से, अमाशय में, अमाशय में दो गो, अमाशय यानी पेट में दो गो एंजाइम निकलता था, जिसका नाम था पेप्सिन और रेनिन, पेप्सिन और रेनिन। तो वहां पर प्रोटीन का पाचन शुरू हो गया था, कहाँ प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू हो गया था, कहाँ, अमाशय में, यानी पेट में, कहाँ, पेट में। तो अमाशय यानी पेट में जब भोजन, भोजन में यानी प्रोटीन का पाचन शुरू हो गया था, और प्रोटीन को, प्रोटीन को पेप्टोन में पेप्सिन नामक एंजाइम बदल दिया था। कहने का मतलब है कि आपको अमाशय में, पेट में पेप्सिन नामक एंजाइम निकलता था, और उस एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदल दिया। तो आपको पता चल गया कि प्रोटीन का पाचन कहाँ हो गया, शुरू अमाशय में शुरू हो गया, और वहाँ अमाशय में बहुत गर्मी है, ठीक है, चलिए गर्मी है, कोई दिक्कत नहीं है, पसीना से नहाएगा, इतिहास से लिखेगा, ठीक है, पानी से नहाएगा, सिर्फ लिबाज बदलेगा, ठीक है, पानी से नहाने वाला सिर्फ लिबाज बदलता है, लेकिन 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 पसीने से नहाने वाला क्या बदलता है, इतिहास बदलता है, हाँ, इतिहास बदलता है, ठीक है। तो यहाँ पर सुनिएगा ध्यान से, शांत रहो ना, यहाँ पर हम बता रहे हैं कि प्रोटीन यहाँ पर हम बताने लगे हैं, तो प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू हो गया था, यह सब बहुत पूछता है, पूछेगा तो बनेगा नहीं, जब तक समझल नहीं रहेगा तो बनेगा नहीं। देखिए, पेट में क्या हुआ था, प्रोटीन का पाचन हो गया था, किस रूप में हो गया था, पेप्टोन के रूप में। तो अब पेप्टोन कहाँ चलाया, पेप्टोन भोजन के साथ कहाँ चलाया, अब ये कहाँ बात कर रहे हैं, अग्नाशय का बात कर रहे हैं, कहाँ बात कर रहे हैं, अग्नाशय का बात कर रहे हैं, यानी पेनक्रियाज, कहाँ बात कर रहे हैं, पेनक्रियाज का बात कर रहे हैं। तो पेनक्रियाज में भोजन के साथ जो प्रोटीन अपना बदलता हुआ रूप आएगा, कौन सा आएगा, पेप्टोन आएगा, क्योंकि पेप्टोन का, प्रोटीन का पाचन पेप्टोन के रूप में कहाँ हो गया था, पेट में हो गया था। तो अब यानी अग्नाशय में जो प्रोटीन आएगा किस रूप में आएगा, पेप्टोन के रूप में, किस रूप में, पेप्टोन के रूप में आएगा। उसके बाद यहाँ पेप्टोन का पाचन कौन करेगा, ट्रिप्सिन, कौन करेगा, ट्रिप्सिन। अभी बताएं कि अग्नाशय में पेनक्रियाज में तीन प्रकार का एंजाइम निकलता है, याद रखने का तरीका, लेट,
L-A-T, तो लास्ट वाला था टी, टी से क्रिया ट्रिप्सिन, टी से क्या ट्रिप्सिन, टी से क्या ट्रिप्सिन, टी से क्या ट्रिप्सिन, चले ठीक है बिल्कुल। तो ट्रिप्सिन का काम है पेप्टोन को किस रूप में बदलना, पेप्टाइड के रूप में, किस रूप में पेप्टाइड, किस रूप में पेप्टाइड, किस रूप में पेप्टाइड, किस रूप में पेप्टाइड के रूप में। तो यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि पेप्टोन, अरे साइलेंट रखो, यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि पेप्टोन को, पेप्टोन को, पेप्टोन को पेप्टाइड के रूप में कौन सा एंजाइम बदलता है, ट्रिप्सिन, पेप्टोन को पेप्टाइड के रूप में कौन सा एंजाइम, कौन सा एंजाइम, ट्रिप्सिन। पुनः पेप्टाइड को, पुनः पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में, पुनः पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में कौन बदलता है, ट्रिप्सिन, कौन बदलता है, ट्रिप्सिन। तो समझ गए कि प्रोटीन कितना क्रिया में जाके बनता है, क्या चीज, एमिनो अम्ल, क्या बनता है, एमिनो अम्ल, ठीक है। तो देखिए एक बार फिर से वहां शुरू से चलते हैं तो समझ में आ जाएगा। पता होगा कि प्रोटीन का पाचन कौन का प्रारंभ करता है, आमाशय में पेप्सिन, कौन करेगा, पेप्सिन। तो पेप्सिन का काम है प्रोटीन को किस रूप में बदलना, पेप्टोन के रूप में, किस रूप में, पेप्टोन के रूप में। पुनः पेप्टोन, पेप्टोन एक प्रकार का क्या, प्रोटीन है, तो पुनः पेप्टोन को, पुनः पेप्टोन को पेप्टाइड में कौन बदलता है, ट्रिप्सिन, कौन बदलता है, ट्रिप्सिन। पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में कौन बदलता है, ट्रिप्सिन, कौन बनता है, ट्रिप्सिन, तो बनता है अमीनो अम्ल, तो बनता है एनिम, कौन बनता है, एमिनो अम्ल बनता है, ठीक है। तो यहाँ जाके, यहाँ इतना दूर जाके क्या बनता है, एमिनो अम्ल बनता है। हमारे शरीर में एमिनो अम्ल कितना, 20, कितना, 20 प्रकार, कितना प्रकार, 20 प्रकार, कितना प्रकार, 20 प्रकार, कितना प्रकार, 20 प्रकार, कितना प्रकार का एमिनो अम्ल पाया जाता है, 20 प्रकार का पाया जाता है, चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए तो यहाँ तक क्लियर हो गया ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। एक बार फिर से बताइए कि, बताइएगा कि अग्नाशय से, पेनक्रिया से जो एंजाइम निकलता है उसका नाम क्या है, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज का काम क्या है, वसा का पाचन करना, फैट का पाचन करना, और लिपिड का बोल सकते हैं, लिपिड उसी को बोलते हैं, लिपिड का पाचन कर देगा। उसके बाद एमाइलेज का काम क्या है, स्टार्च का पाचन करना, ठीक है, मंड का पाचन करना, एमाइलेज, एमाइलेज का काम है मंड का पाचन करना, ठीक है। और अभी बताएं ट्रिप्सिन का काम है, ट्रिप्सिन का काम है, हाँ, पेप्टोन को पेप्टाइड में। पर ऐसे पूछेगा कि ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पेप्टोन को किस रूप में बदलता है, पेप्टाइड के रूप में। पुनः पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में कौन बदलता है, ट्रिप्सिन, कौन बदलता है, ट्रिप्सिन, कौन बदलता है, ट्रिप्सिन, कौन बदलता है, ट्रिप्सिन, चलिए ठीक है, बिल्कुल सही। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ हो जाता है, मुख में। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है, मुख में। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है, मुख। भोजन प्रारंभ कहाँ से होता है, मुख से। कहाँ से, मुंह से। कहाँ से, मुंह से, ठीक है बिल्कुल सही। कहाँ से, मुंह से, चलो ठीक है बिल्कुल सही है। आइए यहाँ तक टाइम हो गया 7:00, ठीक है, टाइम हो गया 7:00, आने दीजिए। और ये पाचन तंत्र बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, और यहाँ से प्रश्न काफी ज्यादा आता है और फंसेगा भी यहाँ से प्रश्न, ठीक है। तो कल आगे देखेंगे हम, आज हम पाचन तंत्र में देख लिए, आमाशय देख लिए, पकवाशय देख लिए, और ग्रासनी देख लिए, ठीक है। ग्रासनी अलग होता है, ग्रासनली अलग होता है, ग्रासनी अलग और ग्रासनली अलग, ठीक है। तो ग्रासनली, ग्रासनली के द्वारा भोजन जाता है, ग्रासनी के द्वारा क्या जाता है, हवा। ग्रासनी के द्वारा क्या जाता है, हवा। ग्रासनी के द्वारा क्या जाता है, हवा जाता है, चलिए ठीक है बिल्कुल सही है। और हमारे शरीर में टोटल लार कितना, हमारे शरीर में, मुंह में, हमारे शरीर में जो लार का निर्माण होता है, एक दिन में कितना लीटर, 2 लीटर, 1 से 1.5 लीटर होता है, 1 से 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर, ठीक है, 2 लीटर गलत है, 1 से 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर, 2 लीटर नहीं देता, 1 से 1.5 लीटर देता है, 1 से 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर, चलिए ठीक है बिल्कुल सही। 1 से 1.5 लीटर तक होता है, 2 लीटर तक नहीं होता, 1 से 1.5 लीटर तक होता है, याद रखना 1 से 1.5 लीटर, कितना, 1 से 1.5 लीटर, चलिए ठीक है बिल्कुल सही है। तो अभी तक देखें कि पानी का पाचन नहीं हुआ है, पानी का पाचन हुआ है, नहीं हुआ है, पानी का पाचन अभी तक नहीं हुआ है। पानी का पाचन कहाँ होता है, बड़ी आंत में। विटामिन बी का निर्माण कहाँ होता है, बड़ी आंत में। विटामिन बी कहाँ बनता है, बड़ी आंत। विटामिन बी वाला जितना कॉम्प्लेक्स कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, बड़ी आंत में। कहाँ बनेगा, बड़ी आंत में, चलो ठीक है बिल्कुल। कल देखेंगे बड़ी आंत देखेंगे, उसके बाद दांत देखेंगे और जीभ देखेंगे। दांत में भी पूछता है, दांत में भी पूछता है, जीभ, जीभ में भी पूछता है, तो कल देखेंगे, ठीक है। टाइम हो गया 7:03, आइए हिस्ट्री पे। अच्छा बता सकते हैं बैक्स का, बेक्स का डेंटल फार्मूला क्या होता है, बेक्स का, हाँ, 21 तास, और बच्चा वाला 21.02, 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 क्योंकि जीरो इसलिए होता है कि पिरीमोलर बच्चा में नहीं पाया जाता है, बच्चा में पिरीमोलर नामक दांत नहीं पाया जाता है, पिरीमोलर नामक दांत नहीं पाया जाता है, और बच्चा में, बच्चा में
मोलर मोलर पाया जाता है लेकिन थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है, थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है। ठीक है, आपको कुछ दिन पहले आया होगा दांत, कुछ दिन पहले आया होगा दांत, और थर्ड मोलर आता है। कौन आता है? थर्ड मोलर, जो बच्चा में नहीं आता है, बच्चा में नहीं रहता है। तो यहाँ से पूछता है कि बच्चा में कौन सा दांत नहीं रहेगा? थर्ड मोलर, थर्ड मोलर नहीं रहेगा। मोलर में कौन नहीं रहेगा? तो थर्ड मोलर। मोलर में कौन नहीं रहेगा? थर्ड मोलर। कल बेहतरीन से बता देंगे कैसे निकलता है डेंटल फॉर्मूला, कैसे निकलता है डेंटल सूत्र। ठीक है, कल बता देंगे कैसे निकलता है। चलिए, कृतक की संख्या कितना होता है? कृतक की संख्या कितना होता है? इंसीजर कितना होता है? इंसाइजर कितना होता है? आठ गो होता है। इंसीजर कितना होता है? आठ गो। इस इंसीजर आपके नाक के आगे, नाक क्या की, यानी चार गो नीचे और चार गो ऊपर, चार गो नीचे और चार गो ऊपर। चलिए, उसका साइड में रहता है रदर नाक, उसके साइड में रहता है रदर नाक, कुत्ता दांत, कुत्ता दांत। ठीक है, कुत्ता वाला दांत, कुत्ता वाला दांत, इसको चीर फाड़ करते हैं रदर नाक, क्या कहते हैं उसको? रदर नाक। तो दो गो नीचे दो गो ऊपर कितना? चार गो। दो गो नीचे दो गो ऊपर कितना? चार गो। चलो ठीक है, प्रीमोलर की संख्या कितना होता है? आठ गो। प्रीमोलर की संख्या कितना होता है? आठ गो। प्रीमोलर की संख्या कितना होता है? आठ गो। उसके बाद प्रीमोलर के बाद कौन सा दांत आता है? मोलर। आपके कंठ के तरफ, यानी ऊपर से बोल रहे हैं तो आप आगे से कंठ की तरफ जाइए। ठीक है, यानी हम बोल रहे हैं तो ऊपर से कंठ की तरफ जाइए, आगे से कंठ की तरफ, जैसे जैसे बोल रहे, जैसे इंसीजर, इंसीजर आगे में कितना था? चार गो। उसके बाद कैनाइन था चीर फाड़ करने वाला, दो कितना? दो दो गो चार गो, कितना? दो दो गो चार गो। उसके बाद मोलर, सॉरी प्रीमोलर कितना? प्रीमोलर कितना? प्रीमोलर कितना? आठ गो। प्रीमोलर कितना? आठ गो। तो प्रीमोलर आठ गो होता है किसके बाद? कैनाइन के बाद। कैनाइन के बाद चार चार गो, कैनाइन के बाद चार चार गो, चार चार गो, चार चार गो, दो गो इधर, दो गो इधर, दो गो इधर, दो गो इधर। चलिए, तो नीचे चार गो, दोनों दोनों दो दो गो, दो गो ऊपर दो दो गो, चार चार कितना? आठ गो। चार चार कितना? आठ गो। चलिए ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद मोलर, मोलर रहता है कितना? बारह गो। मोलर की संख्या कितना? बारह गो। तीन गो इधर, तीन गो इधर, तीन गो इधर, तीन गो इधर, ऊपर ऊपर छो गो, ऊपर छो गो नीचे। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आइए हिस्ट्री पे आइए। बीस गो दूध का दांत रहता है। ठीक है, दूध का दांत कितना? बीस। दूध का दांत कितना? बीस। ऐसे पूरा कितना? बत्तीस। पूछेगा कि मानव के जीवन में कुल कितना दांत आता है? मानव के जीवन में कुल कितना दांत आता है? आप लोग बताइएगा कितना आता है, ये सब बावन बोल रहे हैं। ठीक है, आप लोग बताइए कितना दांत होता है। कारण मानव के जीवन में, मानव के जीवन में, मानव के जीवन में कुल कितना दांत आता है? चलिए आप लोग ऑनलाइन